वर्ष में धन दुगना करें। ये पेपर वाले भी कितना बेवकूफ बनाते हैं ना किरण। देखो, एक वर्ष में धन दुगना करें कह रहे हैं। लीजिए, ये तैयार हो गया है, इसको स्कूल छोड़ाइए। आ बेटा, चलते हैं स्कूल। चल, बाय बेटा। चल बेटा, जल्दी कर, आजा। साइकिल पर बैठ के स्कूल जाने में कितना मजा आता है। बेटा चिंता मत कर, देखना एक दिन ऐसा आएगा कि कार से घुमाऊंगा तुझे। सुनो, नाश्ता लगा दूं क्या? आप बोल रहे थे कि आज जल्दी जाना है। हाँ, लगा दो। ओह शिट यार, भूल गया मैं, आज सुबह ही एक शादी में पान का स्टॉल लगाने का ऑर्डर मिला था। ओफ। आज का दिन बेकार गया यार, सुबह सुबह बुला लिया और कमीना आया भी नहीं। अरे आज फिर देर हो गई, शान नाराज होगा। चल भाई जल्दी। अरे मालती, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। अरे क्या बताऊं, आज मेरा नौकर ही नहीं आया, चाय बनाने लगी तो देखा चीनी खत्म। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी जाकर चीनी लेकर आती हूँ। बैठ तो नहीं पाऊंगी, गैस पे चाय का पानी चढ़ा के आई हूँ। ठीक है तो मैं अभी लाती हूँ। देखो तो ये मेरी साड़ी कैसी लग रही है, कल ही वो दिल्ली से लाए हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है, इनसे कह के ना मैं भी अपने लिए ऐसी ही साड़ी मंगाऊंगी। अरे नहीं यार, ये तो बहुत महंगी है और ये यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। अच्छा बढ़िया ही पैसे वाली, जैसे दूसरा तो कोई खरीद ही नहीं सकता। अरे भाई, ये गोरे गोरे सुंदर से चेहरे पर ये गुस्सा कैसा? हटो जी, बस मजाक ही करते रहते हो, एक साड़ी तो दिलानी नहीं होती। अब ये साड़ी कहाँ से आ गई बीच में? दो साल हो गए, एक साड़ी भी नहीं दिलाई, और उधर मालती को देखो, रोज नई साड़ी पहनकर मेरा खून जलाने चली आती है। वैसे तुम इस सूट में किसी अप्सरा से कम लग रही हो क्या? हटो जी। और ये गोरा गोरा चेहरा? हटो जी, आपको तो बच्चे का भी ख्याल नहीं है। मेरी मम्मी तो सबसे सुंदर है। ठीक
ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना, मैं चलता हूँ। ओके पापा, मेरा चॉकलेट लाना, ना भूलना। ले आऊंगा। बाय बाय। अरे भैया क्या हाल चाल है? अरे बढ़िया, और तुम सुनाओ? ये टिक टैक दो। ये अच्छा, चलो ये रही टिक टैक, पकड़ो। हाँ एकदम, हो जाओ टिक टैक लो, पैसे लो। चलो और सब बढ़िया? बढ़िया हाँ। एक मीठा पान लगाना, जरा रुको। क्या? अरे सुरेश तू? अबे नरेंद्र। अबे कमीने, कैसा है तू? बहुत बढ़िया, बाहर आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या बात है भाई, तू तो बिल्कुल बदल गया है, पहचान में नहीं आ रहा, बड़े ठाट लग रहे हैं। क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या? हैं? हाँ यार, लॉटरी ही समझ। एक बहुत बढ़िया बिजनेस मिला है, दो दुनी आठ। दो दुनी आठ? ये कैसा बिजनेस है यार? अरे ठीक ठीक बता यार, पहलिया मत बुझा। सच में? हैं? दो रुपए लगाओ, आठ रुपए पाओ। पर पहले अपने हालचाल बता। ओह, क्या बताऊं यार, अचानक से पिताजी का देहांत हो गया यार, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई, बस ये मजबूरी में काम करना पड़ा। और फिर भाई शादी? वाह बेटा, शादी भी कर ली, भाभी कैसी है, मिलवाएगा नहीं? जरूर जरूर मेरे भाई, जरूर जरूर मिलवाऊंगा। अरे तू बता, तू इतना अमीर कैसे हो गया? बताया तो, दो दुनी आठ। अरे यार बेकार की बातें मत कर, ठीक ठीक बता, दो दुनी आठ। ये ऐसे बताने वाली बात नहीं है, ये बैठकर समझने वाली बात है। अच्छा तो एक काम करते हैं, कल मेरा बंदी का दिन है और मेरी छुट्टी भी है, घर पे आना और भाभी के बनी हुई हाथ की चाय पीना। हाँ और भाभी से भी मिल लेना। चल कल शाम मैं आता हूँ और भाभी से कहना उनके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। ओके गुड, चल मिलते हैं। ओके भाई। तान चलो, बहुत देर हो गई, खेलना बंद करो, चलो। हाँ बस अभी बाबा। हितेश बोलो, क्या है? क्या तुम साइकिल चलाने दोगी थोड़ी? ना बाबा ना, मेरी साइकिल खराब हो जाएगी, तुम अपने पापा की चलाओ। पर वो तो बहुत बड़ी है और वहाँ तक तो मेरे पैर भी नहीं पहुँचते। तो मैं क्या करूँ? कितने बजे आने का बोला था? अब तो 7 भी बज गया है। बस आता ही होगा किसी भी वक्त। और शान देखो, सबसे पहले आते ही अंकल को नमस्ते बुलाना। हाँ ठीक है। और शोर बिल्कुल मत करना। ठीक है ठीक है। ओके शान, अपना बैग उठाओ और जगह पे रख दो, और जब अंकल आए तो पानी लेकर आना, मैं किचन में जा रही हूँ। ओके मामा। अभी तक पता नहीं कहाँ रह गया। ओहो
आओ भाई। क्या हालचाल हैं? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आओ भाई, आओ बैठो। और बता, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई तुझे? नहीं, जैसा तुमने बताया था बस पहुंच गया। वही पुश्तैनी पान की दुकान चला रहा है? बस वही चला रहा हूँ यार। बहुत प्यारा बच्चा है तेरा। अरे मैं इसके लिए कुछ लाना तो भूल ही गया। और भाभी जी को कहाँ छिपा रखा है? बस आती होगी चाय लेकर। तुम कोई दो दुनी आठ की बात कर रहे थे, तब तक हम अपनी काम की बात कर लें। हाँ बस, अब दो मिनट में ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। बेटा शान, तुम जाओ अंदर खेलो, जाके जाओ। चलो अंदर खेलो, जाके जाओ, अंदर जाओ। हाँ अब बताओ। तुम्हें पहले 10,000 रुपये लगाकर मेंबर बनना है। बस तुम्हें अपने नीचे ये दो मेंबर बनाने हैं। ये दो मेंबर बनते ही तुम्हारे खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, जब तुम्हारे नीचे ये दो मेंबर बनेंगे, इसके बाद जब ये दोनों अपने नीचे एक एक मेंबर बनाएंगे। अच्छा, 1,000 रुपये तुम्हारे खाते में और आ जाएंगे। क्या बात है यार। और उसके बाद ऐसे ही लोग तुम्हारे नीचे जुड़ते जाएंगे और बिना कुछ किए और पैसा आता रहेगा। अच्छा अच्छा, लेकिन पैसा मिलेगा कैसे? ये देखो, ये 60,000 रुपये का चेक है, आज ही आया है। ये पूरे हफ्ते की पेमेंट नहीं है, अभी एक चेक आना और बाकी है। अच्छा, अरे अरे, चाय नहीं पिलानी है क्या? कहाँ रह गई चाय? हाँ और बताओ, कम से कम 30,000 का पेमेंट? कम से कम 30,000 रुपये का पेमेंट बढ़िया है। होता है। और पहली बार एक महीने का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड, कितनी पेमेंट, कितना पैसा तुम्हारे अकाउंट में है वो तुम वेब पेज खोलकर कभी भी देख सकते हो। अच्छा, क्या बात है। ओके ठीक है, समझ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। लो भाई चाय। अरे आप कहाँ जा रही हैं भाभी जी? हम आपके बिना चाय नहीं पियेंगे, हम तो आपसे मिलने आए हैं। लीजिए चाय। माशाल्लाह, क्या खूबसूरती पाई है आपने। क्यों झूठी तारीफ कर रहे हैं? सच भाभी जी, आप जैसी लड़की मुझे मिल गई होती तो फौरन शादी कर लेता। तो क्या अभी तक शादी नहीं की आपने? आप जैसे अमीर लड़के को लड़की मिलने में कितनी देर लगती है? अब आप भी खुश हो जाइए, थोड़े दिनों में आपके पास भी पैसा, गाड़ी, सब कुछ होगा। अरे हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? अगर 3 महीने में 500 ज्वाइनिंग कराते हो तो एक कार बोनस में। ओ देख, इस वक्त तो मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे का इंतजाम होता है मैं तो ले लेना यार। पैसे कौन मांग रहा है तुमसे, जैसे ही हो दे देना। ठीक है। बेटा ये लेसन आज पूरा करना है, ठीक है? सारी स्पेलिंग जोर जोर से बोलो। मेरा लैपटॉप घर पे ही छूट गया, नहीं तो आज ही तुम्हारा सारा काम हो जाता, दोबारा ना आना पड़ता। अरे इतनी जल्दी कहाँ जल्दी है यार, बैठो ना। अरे इतनी जल्दी क्या थी यार, खाना खा के जाते। नहीं भाई, बहुत काम है,
अभी तुम्हारी तरह 2-3 ज्वाइनिंग और करवानी है, और हाँ कल सुबह से तुम भी शुरू हो जाओ। ठीक है। और तुम चिंता मत करो, जितने लोग जुड़े हैं पैसे इकट्ठा कर लो। मैं कल शाम को या रात को घर पे आता हूँ, लैपटॉप लेके आऊंगा, और जो भी ज्वाइनिंग होंगी यहीं पे ज्वाइनिंग कर भी दूंगा और नेट खोलकर तुम्हें समझा भी दूंगा। ठीक है। अच्छा कल रात आता हूँ मैं। ओके। कुछ दिन की बात है, फिर मौज ही मौज। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। PREPARATION प्रेपरेशन। अरे आ गए आप। मुझे तो ना कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे बेटा थोड़ा धीरे बोलो। बेटा धीरे बोलो, तुम्हें समझ के क्या लेना। बस तुम इतना समझो, एक दिन हमारे पास एक बड़ी सी एयर कंडीशन कार होगी और एक बड़ा सा बंगला होगा। तुम देखती जाओ, देखती जाओ तुम। और मेरी साइकिल। अरे बेटा साइकिल क्या, थोड़ा बड़ा हो जा तू, फिर तुम खुद एक्टिवा लेके स्कूल जाया करना। अरे अब तो मजा ही आ गया। अच्छा। चलो पढ़ाई करो। बस मैंने सारी स्कीम समझ ली है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से खाना बना दो, कल सुबह जल्दी निकलना है, बहुत सारा काम है मुझे। ठीक है। ठीक है। और कुछ लोगों से पैसा भी लेना है, मेंबर भी बनाना है कई लोगों को। अच्छा चलो जल्दी करो। अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। 2 मेंबर बनाने हैं कल। पता है। हाँ अब जाओ भी। जाती हूँ। जो पास में गोल चौक है वहां उतार देंगे, मेरी स्कूटी खराब हो गई है। मैंने कहा मुझे पास के गोल चौक पे उतार देंगे। हाँ क्यों नहीं, आइए आइए। तो आप जैसी हसीनों की सेवा में ही रहते हैं हमेशा। अच्छा आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। अरे हाँ मुझसे एक बाबा ने कहा था बहुत पहले, बहुत जल्दी तुम्हें एक लड़की मिलेगी सड़क पर और जल्दी उससे प्यार हो जाएगा और शादी भी। सच में। सच में। अरे ओ हाँ मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गया, क्या नाम है आपका। नैना। हाय नाम ही काफी है मदहोश करने के लिए। आप क्या चाहते हैं मुझसे। क्या इसे ही लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। मुझे न जाने क्या होता जा रहा है। जाओ ना गले लगाओ ना, क्यों तड़पाते हो मेरे पास आओ ना। पास आओ ना।
यू जाओ ना गले लगाओ ना। जाके तुम रह न पाओगे, मुझसे दूर जाके तुम रह न पाओगे। दिल में तो बसा हूँ मैं, क्या कहाँ पाओगे। गले लगाओ अरे इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? अरे वो अपने दिवाकर अंकल है ना, वो सुबह सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं, उनको आज मेंबर बनाना है। तो चाय तो पी कर जाते। अच्छा जी, चाय? अगर आपको चाय पिलानी होती ना मैम साहब, तो आपकी बनी हुई रखी होती। अच्छा रुको, अभी बनाती हूँ चाय। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, उन्हें पकड़ना है मुझे। ठीक है, ओके बाय बाय। अरे नमस्कार दिवाकर अंकल, चरण स्पर्श। तुम ही आ गए से? मैं एक बहुत जरूरी काम से आया था। क्या बताओ? आपसे थोड़ी बात करनी है।
मेरे लिए अगर आपकी थोड़ी हेल्प हो जाती तो। किस सिलसिले में? सर एक नई कंपनी है, उसमें थोड़ा पैसा लगाना, तो तैयार हैं आप? अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। काम तो सचमुच ऐसा है सर कि 2 रुपए लगाओ और 8 रुपए पाओ। अच्छा, मैं इस तरह के किसी काम में पैसे नहीं लगाता, लेकिन मैं तुमसे मना नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी सर, अब वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर। देखना सर, एक दिन इसी दिन को याद रखेंगे आप। मुझे देर हो रही है, ओके, मुझे जाना है। रसीद जरूर पहुंचा देना। ठीक है सर, रसीद पहुंच जाएगी। ठीक कहते थे, काम धंधा कर ले कर ले, लेकिन नहीं, मस्ती में थे हम। अब समझ में आ रहा है। चल बेटा, अच्छा ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। आपको अपने नीचे 2 मेंबर बनाने हैं, ठीक है, और ये दोनों मेंबर अपने नीचे 2 मेंबर बनाएंगे। सर थोड़ा इधर मुखातिब होइए, मैं समझा रहा हूं। थैंक यू सो मच।
ठीक है तो फिर मैं आपको इसकी रसीद जो है वो दे देता हूँ। क्या है? देख खड़ी हो जा यार। क्या यार, क्या जान लेके ही छोड़ोगे मेरी? बहुत थके थके लग रहे हो। हाँ बना लो बेटा मजाक, पंगे में डाल दिया तुमने तो यार। जब रबड़ी खाओगे ना तब पूछोगे भी नहीं। अरे मजाक छोड़ो, ये बताओ कैसा रहा? क्या कैसा रहा, चेहरे से नहीं दिख रहा कि कैसा रहा? अरे सुबह से अब तक भाग ही रहा हूं मैं, तब कहीं जाके दो लोगों से पैसा मिल पाया है। क्या कहें यार, परेशान हो गया हूं मैं। चलो आओ। अरे उधर कहां जा रहे हो यार? बस दो। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, इस तरह लगे रहे तो 3 महीने में कार पक्की है। अच्छा क्या बात है। अरे उधर किधर चल दिया यार? वहां बेंच पर बैठकर सबको मेंबर बनाते हैं, आओ चलो। अरे अमल के भाई, अरे यार यहां क्यों, घर चलते हैं ना। भाई मुझे अभी लखनऊ निकलना है, बहुत दिन से बुला रहे हैं, वहां 20-30 मेंबर बनाने हैं, मैं तो बस यहाँ तुम्हारे मारे ही रुका था। अच्छा तो घर तो पास में था ना? ठीक है। कितने हैं? पूरे 30,000 हैं। अब ध्यान से देखो कैसे ज्वाइनिंग कराई जाती है। यही तो बोला था तुमसे कि ये 2 नीचे जुड़ते ही तुम्हारे खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारी सब ज्वाइनिंग हो गई तीनों की, बस इतना काम है। और रसीद? अरे रसीद वसीद कुछ नहीं होती, बस अकाउंट बन तो गया, साइड पर जब चाहो देख लो। अरे बड़ी कंपनी में ऐसा ही होता है। पर मैंने तो रसीद के लिए बोल दिया है। अरे समझा देना यार उनको, क्या है उसमें। अच्छा चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है। कहाँ हो भाई? अरे प्रणाम सर। क्या हो रहा है? अरे पहले तुमने रसीद दी थी और अब साइड बंद है? अरे सर चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, वैसे भी बहुत बड़ी कंपनी है ये, सब कुछ सेटल होगा सर, सब कुछ सेटल, सबके पास पैसा ही पैसा होगा एकदम। तुम जानो
क्या हुआ, बड़े घबराए हुए हो? अरे तुम्हें हंसी सूझ रही है, और यहाँ यहाँ मैं टेंशन में हूँ। तुम्हें पता है कि साइड नहीं खुल रही और फिर भी तुम हंस रहे हो? देखो भाई, ये तो बिजनेस का हिस्सा है, कभी घाटा तो कभी मुनाफा। ऐसे घबरा कर काम नहीं चलता, जब कमाई होगी सब भूल जाओगे। कमाई हुई? देखो जब भगवान एक रास्ता बंद करता है ना, तो दूसरा खोल देता है। इधर ये कंपनी बंद हुई तो उधर दूसरी शुरू हो गई, और जो इससे भी अच्छी कमाई का मौका दे रही है। लेकिन जो पैसे लगा रखे थे उसका क्या? वो तो गए गए वो तो गए, लेकिन ये कंपनी अभी शुरू हुई है। इसमें जो पहले ज्वाइन करेंगे सबसे ऊपर होंगे चेन में, सबसे ज्यादा कमाई होगी। और साल दो साल में बंद भी हो गई तो भी पैसों का अंबार लग चुका होगा। अच्छा यार मैं निकलता हूं। एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा होगा, रुपया, दौलत और शोहरत, सब कुछ होगा मेरे पास, सब कुछ। मम्मा, मम्मा। हाँ बेटा, क्या हुआ? कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? कल मेरा बेटा स्कूल क्यों नहीं जाएगा? पापा ने प्रैक्टिकल की कॉपी लाके नहीं दी, मैम ने डांटा। अच्छा, मम्मा आपको आपकी प्रैक्टिकल की कॉपी ला कर दे देगी। अभी दोपहर हो गई है, आप जाकर आराम करो। अरे इसी में तो रखे थे यार। ईरान, ईरान, किरण, किरण, क्या है, क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? बैठो जरा, बैठो। वो मैंने अटैची में कुछ पैसे छिपा के रखे थे, कहाँ गए? हाँ आपकी अटैची तो जादू का पिटारा है ना, जब जितना चाहा पैसा निकाल लिया। और जो आप इतने दिन से सारा काम काज छोड़े बैठे हो, दुकान पर भी नहीं जाते, ये सब घर का खर्च कहाँ से चल रहा है? ऊपर से बरस रहा है क्या पैसा? तो इसका मतलब तुमने वो सारे पैसे खर्च कर दिए जो मैंने आड़े वक्त में बचा के रखे थे ना? हाँ तो आप देकर जाते थे ना मुझे पैसे, ये लो और घर का खर्च चलाओ। देखो किरण, बैठो बैठो बैठो, जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो तुम तो जानती हो कि ये कंपनी भाग गई है, हैं? जो मैंने पैसा लगाया था सब डूब गया ना मेरा। अब मुझे दूसरी कंपनी में पैसा लगाना है, हाँ तो उस हिसाब से सोचना है मुझे। कर्जदार मेरे दरवाजे पे खड़े हुए हैं, मुझे जूते खिलाने क्या तुम्हें, बताओ। एक काम करो, तब तक ये कंगन तुम मुझे दे दो। मैं वादा करता हूं जैसे मेरे पास पैसा आएगा मैं तुम्हें ढेर सारे गहने ला के दूंगा। जहां से मन चाहे इंतजाम कर, पर मैं अपने कंगन नहीं दूंगी। ठीक है मत दो। दोस्त किस दिन काम आएंगे, दोस्तों को देखता हूं। क्या हुआ, आते ही लेट गए, खाना नहीं खाना? नहीं भूख नहीं है, बहुत थक गया हूं यार। मैंने तो पहले ही कहा था छोड़ो ये काम, दुकान पर जाओ, घर पर राशन भी खत्म हो गया है और शान के स्कूल की फीस भी जाना है। तुम चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम देखना
एक दिन हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। एक नई कंपनी मिली है। मेहनत की कमाई से ही भगवान भी पैसा देता है। बहुत समय हो गया है, अब अकेलापन सहा नहीं जाता। चलो ना, मुझसे शादी कर अपने घर ले चलो ना। रहा तो मुझसे भी नहीं जा रहा है। अच्छा, पता नहीं तुमने क्या जादू कर दिया है। अच्छा जी, खुद जादू कर बैठे हम मासूम बन रहे हो। चलो ना, चलो हम सगाई कर लेते हैं कल ही। मैं तो गुलाबी रंग के डायमंड की अंगूठी लूंगी। तुम जिसको छूदो वो तुम्हारी। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगा दिया? अरे जल्दी उतरो, मुझे काम याद आ गया है। उतरो। उठना नहीं है क्या? कब से आवाज दे रही हूं, सूरज निकल आया है, दुकान पर जाओ नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यार, इतना अच्छा सपना देख रहा था, फालतू में उठा दिया।